इंस्टाग्राम रील्स पे एक नया ट्रेंड आया हुआ है, तो जो आपने अभी प्रीव्यू में जापानीज टेक्स्ट वाली वीडियो देखी, ये वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स में ट्रेंडिंग में चल रही है और आप लोगों ने हो सकता है इस वीडियो को अपने रील्स वाली फीड में देखा हो और आपके मन में सवाल आया हो कि यार इस तरीके की वीडियो कैसे बनाऊं। लेकिन एक और सवाल आया होगा इसके साथ में कि यार इसके लिए तो बहुत तगड़ी एडिटिंग आनी चाहिए क्योंकि इसमें जापानीज टेक्स्ट है और एक के बाद एक म्यूजिक के साथ मैच हो रहे हैं, तो यार बहुत लंबी एडिटिंग चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता तो भी आप लोग सिर्फ एक फोटो के जरिए इस तरीके की प्रोफेशनल एडिटिंग कर पाएंगे विदाउट एडिटिंग। जी हाँ, आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला, तो आप लोग इस तरीके की वीडियो बहुत आसानी से बना पाएंगे और उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ दो चीजें करनी है। पहली तो ये कि वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करना मत भूलना। अगर कमेंट करने का मूड नहीं है तो जस्ट इमोजी ही कमेंट कर देना, ठीक है? तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो वायरल वीडियो एडिटिंग की और वीडियोस बनानी चाहिए। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीश्वर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो हम लोगों को जापानीज टेक्स्ट वाली वीडियो बनाने के लिए एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी और जैसे ही हमारा फोटो डिसाइड हो जाए उसके बाद हम लोगों को VN वीडियो एडिटर ऐप में आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोग इससे एडिट नहीं करने वाले हैं, जस्ट हम लोग फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई और ऐप है, काइन मास्टर या फिर पावर डायरेक्टर या फिर कोई अदर ऐप, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं VN वीडियो एडिटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का वाटरमार्क नहीं आता और आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं और काफी सही ऐप है एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद हम लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब हम लोगों को फोटो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और एक फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा सजेशन होगा आप उस टाइप के फोटोज़ को सिलेक्ट करें जो थोड़ा सा डार्क फोटो हो, क्योंकि जो टेक्स्ट होंगे जापानीज़ वो थोड़े वाइट कलर के हैं, तो अगर हमारा फोटो डार्क होगा तो टेक्स्ट उभर के आएंगे और हमारी वीडियो काफ़ी सही लगने वाली है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस एरो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो अगेन क्लिक कर देते हैं। हाँ, तो ऐड हो चुका हमारा फोटो। अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट में एक वाटरमार्क आएगा तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो अब हम लोगों को क्या करना है कि पहले तो फोटो को सिलेक्ट करना है और फोटो को क्रॉप करना होगा 9:16 में। तो ये रहा क्रॉप का ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग 9:16 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं कौन सा एरिया आपको ज़्यादा लेना है, कौन सा कम लेना है। तो यहाँ से हम लोग इसको इतना कर देते हैं, ये 9:16 हो गया और हम लोग अब इसको डन कर देते हैं। 9:16 आपको पता ही होगा कि ये रील्स का साइज है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये फोटो 3 सेकंड का है तो उसको इस तरीके से आगे बढ़ाते जाना है और इसको लगभग हम लोग 7-8 सेकंड या 9-10 सेकंड के आसपास ले जा सकते हैं क्योंकि ऑडियो भी लगभग इतने ही सेकंड की है। सो ये 9.99 का हो गया, मतलब 10 सेकंड के आसपास हो गया। तो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं इसको, यहाँ पे हम 9:30 के आसपास ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को टाइमर दिखाई दे रहा होगा कि कितने सेकंड में हमारा फोटो वगैरह हो गया है। तो 9:30 सेकंड के आसपास हमारा फोटो हो चुका है जो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ये इतना हो जाए उसके बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से हमारी जो फोटो से वीडियो बनी हुई है उसको एक्सपोर्ट कर लेना है राइट पर टिक करके। अब ये क्या होगा कि हमारी जो फोटो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो गई है। अब हम लोगों को इसमें जापानीज टेक्स्ट और ऑडियो को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में चलना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा टेलीग्राम पे। अब मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम पे क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लिंक्स है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल और मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि सारा मटेरियल आप लोगों को यहीं पर मिलता है। अभी तो मैंने ये दोनों लिंक सेव्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर पटक रखी हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उस टाइम पर ये दोनों लिंक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑडियो को अपने इंस्टाग्राम में सेव करना होगा। तो सिंपली हम लोग इस लिंक पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि ये डायरेक्टली इंस्टाग्राम में ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये ऑडियो है, तो हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर लेते हैं वरना कॉपीराइट वगैरह का सीन हो जाता है, आपको पता होगा। तो हम सिंपली यहाँ से सेव ऑडियो पे क्लिक करेंगे और ये ऑडियो हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है? अब हम लोगों को अगेन यहाँ पे आना है टेलीग्राम में और इफेक्ट को सेव करना होगा। तो सिंपली हम लोग इफेक्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो पहले क्या हो रहा है कि ये अभी ऑडियो ही ओपन हो रही है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इफेक्ट आ गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो बैक कैमरा ऑन करेंगे ताकि हमारी जो वीडियो है वो
सही लगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, इस इफेक्ट को इस जगह पे क्लिक करके मैं आपको पास से बता देता हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली बैक करना है और रील्स वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। तो सिंपली हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और रील्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो रील्स पे मैं क्लिक करता हूँ, अब हम लोग रील्स वाले सेक्शन में आ गए। अब हम लोगों ने जो फोटो से वीडियो बनाई थी उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये रही वो वीडियो 10 सेकंड की और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जूम वगैरह करना चाहते हो तो जूम वगैरह इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम लोग जूम कर लेते हैं इसको इस तरीके से, बाकी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं तो नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहले तो प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तब जाके ही ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना है जब तक ये प्रोसीजर हो रहा है, और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये रही हमारी वीडियो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले जो हम लोगों ने ऑडियो सेव करी थी उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले तो वॉल्यूम को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे जो कि बिल्कुल नहीं थी, बट फिर भी हम लोग हटा देते हैं। और यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करेंगे कि सेव्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो ऑडियो हमने सेव करी थी उसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये ऑडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो ऐड हो चुकी है, अब हम लोगों को सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमारी ऑडियो ऐड हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो हमने इफेक्ट को सेव करा था वो इफेक्ट ये रहा, और हम लोग सिंपली इफेक्ट को ऐड कर देंगे। अब हम लोगों को डन पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल मैच हो रही है। मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और ये प्रोसेस होगा, और अब आप लोग इस रील को आसानी से पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम की वायरल वीडियो एडिटिंग के बारे में बता दिया जो कि जापानीज टेक्स्ट वाली थी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज डालूं तो आप लोग ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।